ना, आपको स्कूल ना दो इसके अंदर से 10-12 आइटम आपका क्लीन हो सकता है। और ये जगह स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। हाउ इज द फूड? तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। तो बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए। यहाँ पे पानी आ गया था और यहाँ पे 10 कुत्ते थे जर्मन शेफर्ड। हाँ। वो पानी आ गए तो सब मर गए हैं। तो आपका नाम क्या है? लक्षित। लक्षित, चलो लक्षित आपको मिलकर अच्छा लगा। कौन से स्कूल में जाते हो? हाँ। और आप? एयरपोर्ट। आप कौन से स्कूल में जाते हो? तपोवन। स्टे कैसा लगा आपका? क्रिसमस में क्या कर रहे हो? हमारी क्रिसमस मना रहे। क्रिसमस मतलब हैप्पी क्रिसमस। कैसा लग रहा है? बस मस्त सर। मजा आ रहा है? अरे बढ़िया। झांसी इसका फायरिंग बहुत खतरनाक है। मजा आया मेरे को सुन के। चलो आप यही से हो? हाँ यही से। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब भी करना। 10:15 और सीधा रूम से कृष्ण भगवान हैं दादा के दर्शन। अच्छा लग रहा है। और राइट साइड में पानी का आवाज़ आ रहा है उस तरफ। और वहाँ पर है अपना बैंक्वेट रूम है। वहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, लेकिन शायद यहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग गोवर्धन जाएंगे खाने को। और उसी के साथ गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुभ दिन की शुभ शुरुआत हो चुकी है। आज की जो शुरुआत थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी, बिकॉज बच्चों से स्टार्ट हुआ एंड दे वर रियली हैप्पी। आए रूम में, कॉल किए, बोले कि हेलो सुरेश अंकल, फ़ोटो खिंचवानी है। तो भाई बाहर आया, स्नो में बैठे, फ़ोटो खिंचाई और बहुत खुश हुए लोग। सो इट वॉज हैप्पी स्टार्ट इन क्रिसमस। क्या सोच रहे हैं? किसकी? तो हम लोग अभी जा रहे हैं गोवर्धन में चाय पीने एंड नाश्ता करने के लिए। चलो। सो छोले एंड भटूरे टेस्टी करेगा। चाय चाय बन रही है भाई। वहाँ पे देखो तो चाय की टंकी है। I keep finding myself in these dark rooms and I don't know. So, दो दिन बिताने के बाद आज जाने का समय आ ही गया है। और मेरे साथ संदीप। संदीप कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया है। बस रियली ग्रेट। अच्छा लगा है। और यहाँ के जो भी फैमिली मेंबर्स थे SOU पाम्स के, बहुत अच्छे थे। वेरी गुड स्टाफ, वेरी फ्रेंडली, खाना भी अच्छा, एवरीथिंग इज गुड। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत नीटली मेंटेन्ड है। और क्या चाहिए इंसान को, आएंगे तो वार्म्थ फील करना चाहिए। वो अपने को मिल गए और बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप कहाँ से हो? अंकित, कोटा राजस्थान। आप कोटा से हो? जी सर। तो आपका मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिएगा, बिकॉज जब भी मैं जाऊँगा कोटा में तो आप मुझे बताना कि मैं कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो भाई गोविंद भाई, यूपी में मिलते हैं। चलो भाई, थैंक यू, शुक्रिया। चले ओके। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भैया ये बी ब्रो क्लीनर क्या है? बी ब्रो क्लीनर ऐसा है कि एक ही चीज के अंदर से 10-12 आइटम आपका क्लीन हो सकता है, जैसे कि लैपटॉप है, टीवी है, मोबाइल है। मैंने भी ये प्रोडक्ट यूज किया है मेरी गाड़ी में और हेलमेट में भी। एक दिन डेमो लगाया, दूसरे दिन मैंने चेक किया एंड इट वॉज वेरी गुड। जो भी चीज अच्छा है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो बी ब्रो। बी ब्रो विपिन भाई पूरे एक्शन में। तो इसको प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हम लोग बाद में देखेंगे शाम तक क्या होता है। मैं कल तो डेमो इसमें किए थे हम लोगों ने, कल इसमें लगाया, अभी भी चमक रहा है। देखो अभी क्या चमक रहा है। ये हम लोगों ने नहीं चमकाया था, इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, जस्ट टू सी द डिफरेंस। इसमें देखो कैसा है और इसमें देखो, इसमें ये है चमकार, सफेदी की चमकार। विपिन भाई
1 hour later. Wait, Chief. Yes, surely. Thank you. And have good fun in Gujarat, and then come to Mumbai, and then back to your place. Yeah, sure. Take care. Day 3 and we are here at Eco Farms. How's your stay? तो अभी है हम लोग इको कैंप में और आपको दिखाता हूँ, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। और मेरे साथ है समीर। समीर कैसे हो आप? हाय, बढ़िया। अच्छा लगा आपसे मिलके। यार पूरा जैसा नाम है वैसे ही है, इको कैंप, एकदम ही इको फ्रेंडली लगता है। ऑल फुल ग्रीनरी, वेरी पीसफुल, नॉट ऑन मेन रोड, मतलब रोड से थोड़ा अंदर है, बट आने के बाद यहाँ पे आपको जो महसूस होता है, सेरीन है, ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी है, आई थिंक ऑक्सीजन तो पूरे गांव में है, बहुत ही प्योर है। और ये जगह स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, और मैं आपको यहाँ से ड्रोन उड़ा के भी दिखाऊंगा राइट फ्रॉम टॉप कैसा लग रहा है। पर फिलहाल तो मैं रूम के अंदर अभी गया नहीं, अभी जस्ट जाऊंगा और वो भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आप जब कभी आप स्टैचू ऑफ यूनिटी में आओगे तो मे बी यू हैव योर प्लेस वेयर यू कैन स्टे एंड स्पेंड गुड टाइम। हर चीज़ यहाँ पे बैम्बू का नज़र आ रहा है मुझे, फिलहाल तो ये नहीं है रूम, हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन देखो जैसा एंटर होने से पहले आप देख सकते हो बैम्बू के अंदर जो है सब प्लांट्स लगाया गया है, ये असली है या नकली है ये पूछ लेता हूँ। असली है ये, असली है झाड़। फ्लोरिंग भी देखो कितना प्रीमियम है, और जो व्यू दिख रहा है आपको आगे का गार्डन व्यू है, और सबसे बढ़िया बात है कि ये देखो आपको अनइंटरप्टेड व्यू मिल रहा है, बहुत ही बड़ा, दूर से देखोगे तो आपको पोर्ट्रेट जैसा महसूस होगा। सुबह उठ के यहाँ पर बैठ के चाय कॉफी, या रात को बैठ के भी, अच्छा लाइट्स रात को होता है वो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो इट्स अ गुड व्यू ऑल टुगेदर। जो पीछे बैकग्राउंड है दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है, कॉम्बिनेशन भी वेरी वाइब्रेंट अच्छा है। आई लाइक द चेयर स्पेसिफिकली, तो लुक्स लाइक ये जो कमरा है करीबन 300 स्क्वायर फीट है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और इसका बाथरूम जो है वो उतना बड़ा नहीं जितना हमने अब जस्ट देखे थे पहले प्रॉपर्टी में, बट काफी अच्छा है। सो क्रॉस कैंप 5 है, 1 2 3 4 5, ये क्या स्टाफ रूम है। और देखो वो कैट जो है ना, उसको कैकिंग करने का शौक आ चला है, तो वो आपको कहा गया सो कैकिंग बोर्ड से, और वहाँ पे एक छोटा सा कैट था उसमें बैठा था, मैं वही बोल रहा था कि वो कैट को कैकिंग करने का मूड हो रहा है, कहा गया भाग गया। यहाँ पे लाइव सिंगिंग भी चल रहा है, हम लोग खाना खाने वाले हैं और लाइव सिंगिंग भी चल रहा है, दिखा दो आपको। How's the food? Delicious, let me try. खत्म हो गया, शुरू नहीं आ रहे वो हिसाब से बात, यस मेहमान चलाओ। Very good, chapati and rice, and
सो SOU इको फार्म्स को बाय बोलने का टाइम आ गया, लेकिन बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ। और ये भाई क्या गाना गाते हैं भाई, मजा आ गया। थैंक यू तुझे छोड़ के कहां जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो भाई अपने को दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हो, कहाँ पर है लोकेशन? जी सर, मैं बोलता हूँ अर्सन कैंपेन रिजॉर्ट। जब जैसे आप बाहर जाएंगे तो बरोड़ा रोड पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ से 30 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट में करनाली गांव की तरफ एक रोड जाएगा। अच्छा। तो मेन रोड से करनाली के रोड पे 13 किलोमीटर बाद अर्सन कैंपेन रिजॉर्ट चाणोद गामड़ी उस एरिया को बोलते हैं। अच्छा, बहुत प्यार मिला यहाँ से। एक्चुअली ये पूरा गुजरात का जो बेल्ट है वहाँ से काफी प्यार मिला है। जैसा इसके पहले सुबह हम जब थे SOU फार्म्स में, वहाँ पे प्यार मिला और ज्यादा प्यार यहाँ से भी मिला। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरे भाई। फाइनली थोड़ा लेट आ गया, हम लोग आ गए हैं ओसरांग कैंप में। लेट हुआ, जल्दी जल्दी कवर कर लेते। चलो भाई, यहाँ पे पूरा एक्टिविटीज होती है। सो लेट्स सी, इट्स गेटिंग डार्कर। बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी दिखाई दे रही है और लॉट ऑफ पीपल दे हैव ऑलरेडी गॉन। और हम लोग आ पहुंचे हैं कितने बजे, इट इज 6 बज गए, लेकिन आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे। ये देखो एक्टिविटीज, डे एक्टिविटीज, वहां पे बंदर भी नजर आ रहा है। अच्छा वो सिंगल है, स्विंग जंप। अच्छा ये क्लाइंबिंग वॉल। शाम का वक्त होने के कारण ज्यादा तो कुछ कवर नहीं कर पाए, लेकिन बच्चों को आनंद लूटते हुए पूल में देखकर बहुत मजा आ गया। नदी के उस तरफ आपको दिख रहा है ज़िप लाइन। तो बजे 7 और हम लोग आ गए यहाँ पर लीलाबा होटल में आ गए और यहाँ पे आज रात को रुकने वाले हैं। एंड फ्रॉम हियर टुमारो वी आर गोइंग टू गो फॉर जिप लाइन। सो लेट्स सी, यहाँ का जो व्यू है, यहाँ से नदी जो बह रही है, मैं आपको रूम से वो व्यू दिखाऊंगा। अंधेरा है लेकिन कल सुबह वापस जाऊँगा, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल, कल देखते। तो ये रात का व्यू है। ओहो, पानी कुछ सारा दिख रहा है और काफी नीचे है। वो कौन सा मंदिर है? हाँ। गुरुकुल। अच्छा गुरुकुल है, कोई बात नहीं, वो देख लेना। वो क्या है? वो शादी। अच्छा शादी होती है वहाँ पे, बहुत अच्छा है। सुबह सुबह अच्छा लग गया देखने को। अच्छा रात में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कल देख लेते हैं। तो बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए। मैं जस्ट अभी आया, बोला करके अपना सामान रखता हूँ और फिर मिलता हूँ। बच्चे लोगों को ज्यादा रुका नहीं सकता हूँ, टुक-टुक कर रहे, शायद वही हो सकता है। हाय बच्चे, हाय। आपका नाम क्या है? प्रीत। अच्छा हाथ में क्या हो गया? गिर गया था। गिर गया था। माय नेम इज कविश। माय नेम इज काव्या। वेरी गुड कविश, काव्या एंड मी। सॉरी क्या हुआ था आपको? बॉल लेने गया था ना, क्रिकेट खेल रहा था। गया। ओ ठीक है यार, संभाल के खेला कर, अच्छा लगा मिलकर। और क्या बोले? जल्दी आओ नीचे अभी आप। हाँ अभी नीचे आ रहा था, अभी जस्ट फ्रेश हुआ, अभी आ रहा हूँ नीचे। ठीक है, नीचे मिलते वापस। यहाँ पे पानी आ गया था और यहाँ पे 10 कुत्ते थे, जर्मन शेफर्ड। हाँ। वो पानी आ गए तो सब मर गए। 10 कुत्ते सब मर गए? हाँ, तो उसको बचाने की कोशिश नहीं की? बचाने की कोशिश की पर पट्टा छूटा ही नहीं तो वो मर गए, क्योंकि उसके मुंह में पानी जा रहा था इसलिए। ओह शिट, मे दे सोल रेस्ट इन पीस। कम ऑन मसाला पापड़। पापड़ एक था, पापड़ दस। और हम लोग अपने रूम में ही है और ये रूम से जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। मॉर्निंग में बहुत दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको रात का नज़ारा वापस दोबारा दिखा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो इस नदी के उस पार रेवा रिजॉर्ट है, बहुत हल्ला गुल्ला मच रहा है वहाँ पे।
और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रात में अच्छा लग रहा है, लगता है पूरा क्रिसमस पार्टी इंजॉय किया जा रहा है। आप भी देखिए। अरे क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, आवाज तो आ रहा है। मतलब यहाँ से जो स्टेप्स है, फिर ये अपना होटल की बाउंड्री है, वहां से नीचे जाएगा तो वो नदी है, वहां से जो बह के आ रही है और उस तरफ रिजॉर्ट है। तो मीत स्टोरी बताओ कि क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे पानी आ रहा था, खाना आ गया, पानी पापड़ खाना लाल लाल है ना, जो भी लाल चीज होती है ज्यादा तीखा होती है। ओके, टमाटो भी तो लाल है, तीखा क्यों नहीं? फिर ये राजू भाई, इन्होंने सर ट्रैकिंग में आवाज नहीं और मैं इन लोगों को यो कर रहा हूँ तो आवाज नहीं। अंकल सब्सक्राइब तो कर देना, अंकल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ यस, जय द्वारका। स्कूल का नाम